आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ The the question is the nutrients which mainly give energy to our body. तो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले जो मेन टाइप के न्यूट्रंस हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट या फाउंड इन फूड उसके अलावा प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट्स भी होती हैं, लेकिन एक उनमें से है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का तो एक तो यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया है जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा एनर्जी प्रोवाइड करेगा

जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है तो तीन मेन होते हैं एक हो गया कार्बोहाइड्रेट सेकंड हो गया फैट्स और तीसरा जो मेन माइक्रोन्यूट्रेंट है वो है प्रोटीन तो फैट भी हमारा माइक्रोन्यूट्रंट के अंदर आता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को तो मेन जो न्यूट्रंट हैं जो की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो अब प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स का मेन काम क्या है तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्रोटीन इज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू जो बॉडी के टिश्यू हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या हम बोल सकते हैं जो प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए मेंटेनेंस के लिए जरूरी है ओके okay, लेकिन यहाँ पर बात की गई है एनर्जी की तो मेन जो न्यू, न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर